बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ टॉपिक, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की मदद से। तो सबसे पहले जो है वो हमें देखना होगा कि डायपोल जो है वो होता क्या है। नाम से हमें नज़र आ रहा है डाई डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स पोलैरिटी। तो यहाँ से कुछ कुछ जो है वो क्लियर हो रहा है कि हम दो तरह की पोलैरिटी वाले किसी सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी दे दी है कि डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या होता है कि कहीं भी किसी जगह हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पड़े होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ठीक है। और उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस भी होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। और इसको हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से, क्यू इंटू डी। ये जो है ना डेफिनेशन क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन है। और इसको हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली किस बल से, टी से। अच्छा, ये बजाहिर नजर आ रहा है, ये बजाहिर हमें नजर आ रहा है कि ये जो चार्जेस हैं। अच्छा, एक चीज और उसमें मैंने डेफिनेशन के अंदर दी है कि ये चार्जेस जो है वो सेम होने चाहिए। अगर किसी जगह पे +2 चार्ज पड़ा हुआ है और किसी जगह पे -4 चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये दोनों और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस भी मौजूद है, ठीक है, डी डिस्टेंस है, तो ये +2 चार्ज है, ये -4 चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या ये डायपोल है? नहीं, ये डायपोल नहीं है। डायपोल के लिए, डायपोल होने के लिए जरूरी ये है कि ये जो चार्जेस हो वो इक्वल हो, ठीक है, अपोजिट भी हो, इक्वल हो और अपोजिट भी हो, तो तब हम उसको डायपोल कहेंगे, अदरवाइज हम उसको डायपोल नहीं कहेंगे। अच्छा, ये जो है डायपोल के बारे में हमें पहले पता नहीं था कि ये डायपोल जो है ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हमने आगे चल के इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए तो जगह जगह पर हमें कहीं ना कहीं पी कॉस थीटा मिलता था, कहीं ना कहीं पी साइन थीटा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो हमें मिलता था। तो हमें जो है ना वो उसको हमने ट्रीट कर लिया कि जिस तरह से कोई एक वेक्टर होता है पी, तो ये जो है अगर थीटा है तो उसके सामने वाला अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगी तो मैं इसको पी साइन थीटा कह दूंगी और इसको हम पी कॉस थीटा बोल देंगे। तो कंपोनेंट्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं, सिर्फ वेक्टर्स के कंपोनेंट ही रिजॉल्व होते हैं, स्केलर्स के तो नहीं होते। तो ये जो है ना हमने फिर जब देखा कि मुख्तलिफ डेरिवेशन के अंदर ये टर्म हमारे पास आ जाती है, जब हम पूरा रिजल्ट निकालते हैं पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, तो वहां से हमने कंक्लूड किया कि ये जो क्वांटिटी है जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बाद में हमें पता चला कि अच्छा भाई, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं लाइक अ वेक्टर, इसका कुछ डायरेक्शन होता है। और इसकी जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो डायरेक्शन लेते हैं किस तरह से, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो डी है, ये डी जो हमेशा हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम कहते हैं कि अच्छा भाई, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इफ इफ डी इज डिफाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर डी जो है वो हमने अपने एक्सेस के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो है वो कह सकते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लस चार्ज है, एक ही माइनस चार्ज है, तो इसको मैंने इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन है ये मेरा और ये जो है मेरा डी है, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान। तो फिर उस सूरत में मैं कहूँगी अच्छा भाई चलो, ये मैंने अपनी आसानी के लिए सिचुएशन कंसीडर की हुई है, तो ये जो है मेरा पी की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। तो डी मेरा जो है वो अभी क्या है, डी मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो ये जो है यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक ऊपर है और ओरिजिन से इधर ये नीचे है डी। तो डी जो है यहाँ से ऊपर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ से लेके नीचे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगर मैं डी की डायरेक्शन के हवाले से देखूँ। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना अब हमें, तो अब हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं सिंपली कि डी की डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन मैं जो है वो हमेशा पी को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं पी की डायरेक्शन को डाउनवर्ड से अपवर्ड डिफाइन कर दूंगी, हमेशा ये पी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब डी अगर नीचे की तरफ हो रहा है जैसे कि यहाँ पर, तो अब मेरी पी की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की तरफ हो जाए,
हमेशा इस बात को हमें अहमियत देनी है कि पी जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए। तो अब हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। ये डेफिनेशन क्या है? एक डायपोल की, डायपोल जो होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन हम लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम और मीटर। कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। इसको मैं अगर और खोल के लिख लूँ तो ये कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। ये चीज़ें हमें बेसिक बेसिक सी पता चल गई। अच्छा, अब हम इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं डायपोल के बारे में पढ़ने में? इसलिए कि बहुत ज़्यादा जगह पर हमारी नेचर के अंदर ये डायपोल्स मौजूद हैं। कैसे? क्योंकि तमाम के तमाम मटेरियल जो है वो एटम से मिलकर बने हैं। एटम के अंदर क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है, उतने ही नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है, ओवरऑल तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब मैं उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इस ओवरऑल न्यूट्रल एटम को मैंने जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ हो गए और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ हो गए। यहाँ पर मैंने डायग्राम थोड़ी सी गलत बनाई है। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये होने चाहिए प्लस की तरफ, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसको मैं कर लेती हूँ सही करके कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस जगह पर प्लस चार्जेस होंगे, ये चीज़ जो है वो ठीक है। तो और जो डायरेक्शन है ये देखें, हाँ बेसिकली तो ये एक न्यूट्रल एटम था। एटम जो है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरफ हो गए और सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ हो गया। तो इस तरह से कुछ बिहेवियर हो जाता है ओवरऑल। होते तो ये अपने ऑर्बिट ही के अंदर है, इस तरह से होते तो ये अपने ऑर्बिट के अंदर ही है, लेकिन इस जगह पे क्लस्टर इनका जमा हो जाता है, इस जगह पे क्लस्टर जमा हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई ये जो है ना एक तरफ नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए और एक दफ़ा पॉजिटिव चार्जेस, तो ये इस तरह से बिहेव करते हैं। इसमें एटम चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर भी होते हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट भी हो गए, ठीक है, इक्वल भी हो गए अपोजिट भी हो गए। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एटम बिहेव लाइक अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल की क्या डायरेक्शन होगी? फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज, ये डायरेक्शन होगी डायपोल की। तो इस वजह से अब हमें हर जगह हमारे पास एटम मौजूद है, हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास जो है वो चार्जेस कहीं रखे हुए हों। हमारे पास बहुत सारे एटम्स हर जगह हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो एटम बिहेव करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइक अ डायपोल। इसको हम कहते हैं एटॉमिक डायपोल, यानी एटम जो है वो एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी जगह पे हमारे पास आयंस हैं, जैसे कि सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, तो उसके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सोडियम का जो एटम होता है उसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि क्लोरीन को वो दे देता है। तो अब इसके ऊपर जो पास जो नेट चार्ज है, उसमें नेट चार्ज के अंदर क्या हो गया, एक प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो गया, और इसके अंदर अगर मैं नेट चार्ज निकालूंगी तो इसके अंदर मुझे क्या चीज मिलेगी कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। तो ये भी आयन बन गया, ये भी आयन बन गया, ठीक है। इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये भी जो है वो क्या है कि एक डायपोल है, क्योंकि इनके चार्जेस जो है वो सेम है प्लस माइनस, और इनके दरमियान कोई इक्वल भी अमाउंट है चार्जेस का, चार्जेस अपोजिट भी हैं और इनके दरमियान सेपरेशन डी है। तो दिस इज दी आयनिक डायपोल, यानी कि अगर कहीं कोई आयनिक बॉन्डिंग हुई हुई है, प्लस माइनस चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये एक हमारे पास आयनिक डायपोल कहलाएगा। तो इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास जो भी मटेरियल्स हैं या तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम्स होते हैं, उसको भी हम एज ए डायपोल ट्रीट कर सकते हैं, या आयनिक फॉर्म में होते हैं तो उसको भी हम आयनिक डायपोल के तौर पर ले सकते हैं। तो इस वजह से हम डायपोल पढ़ना चाह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह डायपोल जो हैं वो मौजूद हैं,
ओके, तो हम फील्ड निकालना चाहते हैं कि अच्छा, अगर हम किसी भी डायपोल के करीब मौजूद हैं, यानी कि कहने का मकसद ये है कि एटम के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है, हम किसी आयन के इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, फील्ड का जो नेट बिहेवियर है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको डायग्राम को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। डायग्राम अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर हम इस कैलकुलेशन को समझ नहीं सकेंगे। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसका जो सेंटर है वो मैंने किसी एक्सिस के ऊपर रख दिया है, जिसको मैंने ओरिजन बोला है, ओ रिप्रेजेंट्स ओरिजन। यहाँ से मेरी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है, और जिस डायरेक्शन के अंदर मेरा जो है डायपोल रखा हुआ है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। और टोटल डिस्टेंस जो है वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, मालूम करना चाहती हूँ कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, और ये पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर जो है वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पी एक्स वाई पर, लेकिन ये पॉइंट है कहाँ, इसको गौर से देखते हैं, इस लोकेशन कहाँ है इस पॉइंट की, ये पॉइंट है किधर, ये है परपेंडिकुलर टू दी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो ये भी लाइन होगी, ये भी लाइन होगी, नहीं, एट सेंटर, यानी कि इन दोनों के बीच में, सेंटर में से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और हम इस पॉइंट के ऊपर किसी जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉइंट चार्ज है, अभी तो सिंपल सा केस है ना, पॉइंट चार्जेस ही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर एक पॉइंट चार्ज है, ई इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, इसकी वजह से फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट चार्ज लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि कोई मसला नहीं है भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगी ड्यू टू चार्ज वन, ड्यू टू चार्ज टू। अच्छा, ये जो प्लस चार्ज है इसको मैंने चार्ज वन कह दिया है, और ये जो चार्ज माइनस वाला है इसको मैंने चार्ज टू कह दिया है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ताकि जो है ये क्लियर हो जाए, ये चार्ज हो गया मेरा चार्ज नंबर वन, ठीक है, प्लस चार्ज, और ये मेरा है चार्ज नंबर। तो जनरल मैं इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रही हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ई की वजह से फील्ड निकालेंगे, टू की वजह, वन की वजह से फील्ड निकालेंगे, टू की वजह से फील्ड निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर वन का मैंने नाम दे दिया। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वन की वजह से पॉइंट पी के ऊपर, वो निकालेंगे हम। और यहाँ पर अगर मैं डायग्राम को गौर से देखूँ, ये देखें, ये प्लस चार्ज है, ये चार्ज वन है, इसकी वजह से इस पॉइंट के ऑपर फील्ड लगेगी, क्योंकि ये प्लस है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी जो ये शो किया हुआ है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मेरे पास बनेंगे, एक एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक वाई कंपोनेंट बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि अगर मैं इसको कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करूंगी ई वन को, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ई वन इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ई वन वाई जिसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसके दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट के साथ में मेरे पास आ जाएगा जनाब कॉस थीटा, ठीक है, ये थीटा है अगर, तो उसके साथ वाला जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट है, और उसके साथ कॉस आएगा, और ये जो है थीटा के सामने वाला है तो उसके साथ में साइन आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक्स कंपोनेंट लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस है, ठीक है, ग्रीन कलर की इससे मैंने शो किया हुआ है कि प्लस है, तो प्लस लिखा, और जो उसका वाई कंपोनेंट है वो जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ में नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये मैंने माइनस जे लिखा, और चूंकि ये वाई कंपोनेंट है यहाँ पर साइन आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ई टू के कंपोनेंट्स भी जो है वो रिजोल्व करूंगी कि ये जो सेकेंड चार्ज टू सेकेंड चार्ज है, इसकी वजह से क्या
पॉइंट पी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव की तरफ बनेगी। ये देखिए नेगेटिव की तरफ बनी है, तो अब क्या हो गया, नेगेटिव की तरफ जब डायरेक्शन बनी तो जब मैं इसको रिजोल्व करूंगी तो ये जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर बन रहा है, और वाई कंपोनेंट जो है वो भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने दोनों नेगेटिव रख दिए, और कॉस थीटा एक्स में आएगा, साइन थीटा जो है वो वाई में आएगा, ये तो हमें पता है किस तरह से। और अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, ई पी, ये वाला ई पी, जिसमें हमें क्या करना है, ई वन और ई टू को प्लस करना है। तो मैंने ये जो ई वन की मेरी पूरी इक्वेशन आई थी और ई टू की जो मेरी पूरी इक्वेशन आई थी, इसको मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। प्लस करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये कैंसिल आउट हो रही है, एक प्लस में वही क्वांटिटी है, एक माइनस में वही क्वांटिटी है, जबकि जो माइनस जे डायरेक्शन के अंदर जो ये दोनों माइनस माइनस थे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस का साइन जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, और डायरेक्शन के साथ मैंने माइनस लगा दिया। अच्छा आगे चलते हैं, इसको मजीद सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो ये जो है 2 k q r² sin थीटा माइनस जे मेरे पास आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है पॉइंट पी के ऊपर वो किस डायरेक्शन के अंदर है, माइनस जे डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। इस इक्वेशन को मैं मजीद सॉल्व कर सकती हूँ किस तरीके से, आर की वैल्यू रखकर और साइन थीटा की वैल्यू रखकर। इस डायग्राम को दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि ये जो आर है, ये देखेंगे आर, ये जो है एक पैथागोरस थ्योरम के जरिए ये हाइपोटेनियस कहलाएगा मेरा, और ये आर जो है वो किसके बराबर होगा, x² + y² के अंडर रूट के। जबकि अगर इसी ट्राइंगल के अंदर मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, तो साइन थीटा जो है वो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है वो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर है ये वाला वाई, ठीक है, और हाइपोटेनियस जो है वो मेरा क्या है, आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर रख दी √x² + y². तो यहाँ पर मैं दोनों की वैल्यूज को पुट अप कर देती हूँ, r² की वैल्यू को भी मैंने पुट अप कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू को भी मैंने पुट अप कर दिया, और यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, ये जो था स्क्वायर था और ये अंडर रूट में था, तो टोटल जो पावर हो गई मेरे पास वो कितनी हो गई, 3/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा, x² + y² की पावर बचेगी 1, और यहाँ पर बचेगी पावर हाफ, तो ये 3/2 हो जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन हो गई। अच्छा यहाँ पर मैंने एक काम और किया हुआ है, फिर उसके बाद के अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें यहाँ पर, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो मेरा वाई है, जिसको मैंने 0 से लेके यहाँ तक मैंने डिस्टेंस वाई बोला हुआ था, ये बेसिकली ये डिस्टेंस जो है ये तो D/2 के बराबर है। किस तरह से, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डी है, तो आधा डिस्टेंस जो है वो जो जिसको मैं वाई कह रही हूँ बराबर होगा D/2 के। तो अपनी इस इक्वेशन के अंदर मैं वाई की जगह पर रिप्लेस कर देती हूँ किस चीज़ को, D/2 को। तो वाई की जगह पे मैंने यहाँ पर D/2 रख दिया, और यहाँ पर भी जो वाई था उसकी जगह भी मैंने D/2 रख दिया। तो फाइनली फाइनली जो मेरी इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट पी विच इज लोकेटेड एट द परपेंडिकुलर लाइन मिडवे फ्रॉम दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। तो ये इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो ये हो गई के क्यू डी, और ये जो क्यू और डी है ये तो मुझे पता है कि इसको मैं क्या कह सकती हूँ, उसको मैं कह सकती हूँ डायपोल। तो ये जो है इसको मैं क्यू डी को कह सकती हूँ पी, ठीक है, और ये वाली मेरे पास फाइनल इक्वेशन हो गई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये ए है अलोंग वाई एक्सिस, ये देखो जे क्या चीज होती है, वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई है। और तो इसका मतलब क्या है कि ये बात हमें याद रखनी है कि अगर हम इस जगह पर खड़े होंगे, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई फील्ड अप्लाई नहीं हो रही इस पॉइंट के ऊपर हम जब खड़े होंगे, और अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है तो हम इस वाले फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे। माइनस का साइन जो है वो क्यों आया है, यहाँ पर पता चल रहा है हमें,
ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? यहाँ पर देखो, ये रखा हुआ है मेरे पास एक प्लस चार्ज, ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज। तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनाती हूँ, इस तरह से बनती हैं। और अगर आप इस जगह पर देखें, ये इन दोनों पॉइंट्स चार्जेस के दरमियान ये वाली लाइन है, ठीक है? इस वाली लाइन के ऊपर ही तो मैंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है। तो मैं अगर यहाँ पर खड़ी होंगी, ये यहाँ पर खड़ी होंगी, यहाँ पर खड़ी होंगी, तो यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है? इस जगह अगर मैं खड़ी होंगी तो इस जगह मुझे परपेंडिकुलर एक्स कंपोनेंट भी मिलेगा, वाई कंपोनेंट भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं इधर खड़ी हूँ तो इस जगह पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाई कंपोनेंट है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर हमने मैथमेटिकली निकाली दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं वो सिर्फ माइनस जे डायरेक्शन के अंदर ही होती है, एक्स में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। इस कंपोनेंट को हम टेंजेंट कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम एक सेकंड सिचुएशन की तरफ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की थी वो तो हमने यहाँ फाइंड आउट की थी। अब सपोज कर लेते हैं कि चले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मालूम करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, ठीक है? वो जो है हम मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक चीज मैंने यहाँ पर और की हुई है, वो एक अप्रोक्सीमेशन है। वो अप्रोक्सीमेशन ये है कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम किया था, ये एक फॉर्मूला जो हमारे पास आ गया था, इस फॉर्मूले को हम देखना चाहते हैं कि अगर हम डायपोल से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं, डी हमारा बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी आर, ठीक है? डायपोल से अगर हम बहुत दूर खड़े हुए हैं तो उस सूरत में हमारा ये फॉर्मूला किस तरह से बिहेव करता है। तो मैंने वहाँ पर यही लिमिट अप्लाई कर दी कि एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन डी बाई टू। तो उस वक्त क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला। एक्स स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे तो उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3/2 की, ठीक है? तो ये 3/2 जो है वो कैंसिल भी हो रहा है यहाँ से हमें नज़र आ, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ एक्स क्यूब। ये देखें, एक्स क्यूब रह गया। और अंदर वाली जो टर्म है ये d²/4x², तो क्योंकि d बहुत छोटा है x बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म टेंड्स टू जीरो, ओके, निग्लिजिबल है, तो उसको मैं निग्लेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, तो मेरी ये वाली टर्म रिड्यूस होके जो है वो किस तरह से आ गई, ये मेरी टर्म रिड्यूस होके आ गई kp/x³। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर डायपोल से बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हुई हूँ, उससे करीब नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हुई हूँ, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो मैं डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल कर सकती हूँ, विच इज़ इक्वल टू kp/x³, ठीक है? तो आप देखिए, अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो x² करके डिक्रीज होती है, और यहाँ पर ये x³ करके डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये मोर रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोर रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी डायपोल की बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डिक्रीज होती है, तो हम जब किसी भी एक डायपोल को कंसीडर कर रहे होते हैं लेट सपोज ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो हम जब छोटी क्लासेस में थे तब तो हम कहते थे अच्छा भाई ये न्यूट्रल है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर मैं लेकर आ रही हूँ ये कोई फोर्स महसूस नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं बहुत करीब हो जाऊँ, यहाँ पर हूँ, तो फिर तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी ना, इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं मौजूद। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं ये बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रही होती है 1/x³। तभी जो मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखती थी वो कोई फोर्स महसूस नहीं करता था, और मैं कह देती थी अच्छा भाई ये तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी और बात खत्म। लेकिन अब थोड़ी सी हम बड़ी क्लास के अंदर आ गए हैं तो अब हमें पता चला नहीं, अगर हम किसी भी एटम के करीब जाके खड़े होंगे तो यहाँ पे अगर मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ ना कुछ लग सकती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लग सकती है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि वो बहुत तेजी के साथ में डिक्रीज होगी अब एज कम्पेयर टू दी पॉजिटिव चार्ज, एज कम्पेयर टू दी सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है जो कि मैंने आप लोगों को करवाई है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को ड्राइव करवाया है, इसकी डेरिवेशन जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोगों के पेपर्स ऑनलाइन होते हैं तो फिर तो एमसीक्यूज वगैरह टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन अगर उस वक्त तक इंशाल्लाह हालात बेहतर हुए और यूनिवर्सिटी खुल गई तो ये डेरिवेशन जो है उस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं डायपोल की ही, लेकिन अब हम मालूम कर रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट है अलोंग दी लाइन अलोंग दी लाइन वेयर डायपोल इज प्रेजेंट। उसी लाइन के ऊपर रखा हुआ है जहाँ पे डायपोल रखा हुआ है, तो अलोंग दी लाइन ज्वाइन अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी डायपोल, जो के दो डायपोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग जो है ना, अब हमने यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं, डिस्टेंस डी है, दो चार्जेस हैं, ये चार्ज नंबर वन है, ये चार्ज नंबर टू है। तो अब मैंने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैंने कह दिया है वाई डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करती हूँ। तो डायग्राम को हम गौर से देख लेते हैं, ये जो है इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको करते हैं। वही बात है, वहीं से शुरू करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पॉइंट के ऊपर चाहिए, तो दो चार्जेस रखे हुए हैं तो दो की वजह से हमें टोटल निकालनी पड़ेगी। तो पहले चार्ज की वजह से जो अब फील्ड लग रही है वो भी माइनस जे डायरेक्शन के अंदर लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये जो है वो माइनस पॉइंट यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसकी प्लस से हमेशा निकलती हैं, तो ये यहाँ पर आ रही हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस जे, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो के क्यू हो जाएगा, और डिस्टेंस अब मेरे पास टोटल कितना हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वाई डिस्टेंस, तो ये वाई डिस्टेंस हो गया डी प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे सेकेंड चार्ज की वजह से भी जो है वो फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये सेकंड चार्ज मेरा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड ऊपर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस के अंदर लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंटर हो रही होती हैं। तो इस ये जो डायरेक्शन है ये मेरी अपवर्ड है, तो लिहाजा मैंने इसको प्लस रखा है प्लस जे, और इस पॉइंट के दरमियान और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वाई है, तो यहाँ पर लिहाजा मैंने वाई स्क्वायर रखा है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर दो दो कंपोनेंट्स आ ही नहीं रहे, ना कॉस थीटा ना वाई थीटा का, कॉस थीटा ना साइन थीटा का चक्कर है, ये सिंपली एक सिंपल प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। ये प्लस है के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, ये प्लस है, और ये वाली जो क्वान्टिटी है ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में आ गई, और ये जे डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं उसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने आके छोड़ दिया है, ठीक है, बल्कि इसको कर लेते हैं, किया है मैंने, इसको आगे वाले पेज पे देख लेते हैं, आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं मज़ीद। ये सिंपलीफिकेशन इसकी, एलसीएम लेने के बाद ये सिचुएशन आ गई, ठीक है, ये सिचुएशन आ गई, ये देखें एलसीएम, पहले ये यहाँ पर था तो ये मैंने एलसीएम ले लिया, डी प्लस वाई का उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये ऐसे, और ये जो है ना मेरे पास नीचे वाला फैक्टर है, ये ऊपर वाला फैक्टर है, और इसको मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के ऊपर खोल दिया, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास जो चीज़ बच गई वो ये बच गई, इसका मतलब है कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इन जे डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो जे डायरेक्शन होगा, यानी इस पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसकी फील्ड जो है वो निकलेगी प्लस जे डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि अच्छा भाई, अगर ये वाई पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू डी तो क्या होगा? तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस डी स्क्वायर को तो ख़त्म कर दिया, क्योंकि
अब जाहिर है कि डी अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो ये चीज जो है वो मेरे लिए निगलिजिबल हो गई, तो दिस टर्म टेंड्स टू जीरो। ऊपर बच गया मेरे पास 2dy, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 2dy। और नीचे से मैंने क्या किया, y को कॉमन निकाल दिया, ये y था, ये जब y कॉमन निकलेगा तो y का स्क्वायर बन जाएगा ये, और अंदर वाली जो टर्म रह जाएगी वो 1 + g/y, तो दिस टर्म अगेन टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2k³d/y³। और ये जो q और d है ये बेसिकली मेरा क्या है, ये तो मेरा डायपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी निकल रही है एट सर्टेन पॉइंट वो मेरी निकल रही है 2kpy³ इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और ये कोई नई बात नहीं है, इस डायग्राम को दोबारा से देख लेते हैं। ये देखें, जब मैं जो है इस नेगेटिव चार्ज के नीचे 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 जाती जा रही हूँ, तो यहाँ पर आप कंपोनेंट देखें, जो कंपोनेंट मौजूद है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो प्लस वाई डायरेक्शन में ही मौजूद है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू डायपोल्स, तो प्लस डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, जैसे हमने पहले मालूम किया परपेंडिकुलर ये, तो फिर इसकी जो फील्ड है वो माइनस वाई डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ये क्विज के अंदर आ गई, अगर आप लोगों के एमसीक्यूज हुए, तो मैं डायरेक्ट भी दे सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर क्या होती है, मिडवे सेंटर के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते हैं। ठीक है, ये सेंटर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते हैं तो क्या होती है। और ये भी मैं पूछ सकती हूँ कि अच्छा भाई अगर मैं यहाँ कहीं खड़ी नहीं हूँ तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी। तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो हमें पता चल गया, दोनों सूरतों में हमने फॉर्मूले बना लिए। अच्छा, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम वाई एक्सिस पे कहीं मौजूद, एक्स एक्सिस पे कहीं मौजूद हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला, और वाई एक्सिस पे अगर हम मौजूद हैं तो उसके लिए जो है वो अलग फार्मूला हम लिखें, ड्राइव करें बार बार। कोई एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो कि एक जनरल फार्मूला हो, जो कि हम किसी भी जगह पर अगर मौजूद हों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कहीं गिर्द, कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, किसी भी करीब, किसी भी जगह पर, तो वो फॉर्मूला जो है वो मेरा वैलिड हो, मैं उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर लूँ नियर डायपोल, और ये चक्कर ना हो कि ये कभी ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, कभी वो फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो इस तरह से हम कर लेते हैं कि हम कोई एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, जो कि पॉइंट हमें नज़र आ रहा है PXY। अच्छा, अब जब ये वाला फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट था, जिस जो अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं जनरल फॉर्मूला है और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर हमने पहले वाले फॉर्मूले क्यों पढ़े? पहले वाले फॉर्मूले हमने पढ़े सिर्फ कि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं। जब वो चीज़ हमने उसके अंदर सीख ली तो वही तरीक़ाकार जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैथमेटिक्स ज़ाहिर है कि उसके मुकाबले में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हम चूँकि पिछले चीज़ों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो लिहाजा अब हमें ये क्लियर हो जाएगी। तो अब मैंने कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया है, किसी भी पॉइंट के गिर्द मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ एक डायपोल के गिर्द, और वो मेरा पॉइंट जो है वो PXY है। PXY कैसे बना? वो ये जो मैंने एक्सेस डिफाइन किए हैं ना यहाँ पर, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये मेरे अब जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, ये मेरा एक्स एक्सेस है और ये मेरा वाई एक्सेस है, तो ये ओरिजन है, ओरिजन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ। इसके हिसाब से जो ये मेरा पॉइंट है ये पी, इसके हिसाब से मेरे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं एक्स और वाई, और इस पॉइंट पर जब मैं जाऊंगी ओरिजन से तो ये मेरा पोजिशन वेक्टर बनेगा आर, इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी। तो एक आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर जो है वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ ड्यू टू द डायपोल, तो वही काम हम करेंगे दोबारा से जो हम पिछले तरीक़ाकार हमने किया था अख्तियार, वही करेंगे कि अगर हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले प्लस चार्ज की वजह से, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी ये जो मैंने प्लस है इसको 1 कंसिडर किया हुआ है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको सेकेंड चार्ज मैंने कंसिडर किया हुआ है।
तो सबसे पहले हमें E1 हासिल करना होगा, फिर उसके बाद हमें E2 हासिल करना होगा, और फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो E1 का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखें, ये जो प्लस चार्ज है ये इस पॉइंट चार्ज की तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी। ठीक है, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी। अच्छा, अभी तो हमने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज नहीं रखा हुआ, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, अब मुझे जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो मेरा आ गया है इसको मुझे रिजॉल्व करना है। और ये मेरा जो यहाँ से लेके पॉजिटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा R1 आ गया है। ठीक है, ये दोनों इत्तेफाक से डायरेक्शन इनकी सेम है, E1 की भी और R1 की पोजीशन वेक्टर की भी। तो जनाब, मुझे अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। ये इसको मैंने E1 को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। ये वाली जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरा एक्स कंपोनेंट है E1 का, और चूंकि E1 की डायरेक्शन इस तरह से गिवन है तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर। तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट हो गया और पॉजिटिव वाई कंपोनेंट हो गया, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 का। अच्छा जनाब, तो ये जो है मैंने पॉजिटिव इसको भी रखा, इसको भी पॉजिटिव रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं लिख दूंगी KQ/R1, क्योंकि अब इस Q1 से यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या है, R1 है। तो ये मैं लिखूंगी R1 का स्क्वायर, और साथ साथ चूंकि ये एक्स कंपोनेंट है साथ में मेरे कॉस थीटा भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये वाई कंपोनेंट है मेरे साथ साथ साइन थीटा भी लगेगा। इसको थोड़ा सा मैं और खोल के लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, KQ/R1Q। कॉस थीटा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा क्या चीज़ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, इसके अंदर जो बेस बेस है वो मेरी क्या है, इसको यहाँ पर गौर से देख लेते हैं। ये जो बेस है बेसिकली ये जो मेरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है 1 चार्ज, इसकी पोजिशन है एक्स एक्सिस पे, ये 0 है, लेकिन वाई एक्सिस पे ये रखा हुआ है D/2। और ये वाला जो पॉइंट है इसकी भी मैं पोजीशन डिफाइन कर देती हूँ, ये हो जाएगा एक्स, और इसकी वाई पोजीशन भी क्या हो जाएगी, D/2, है ना। डायग्राम से देख के हमें नज़र आ रहा है, ये अगर ओरिजन था तो ओरिजन से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो वाई जो है वो मेरा D/2 है, लेकिन एक्स तो मेरा 0 है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इधर अब चली जाऊँ तो यहाँ पर मेरा एक्स भी कुछ ना कुछ होगा जिसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ एक्स पॉइंट, और वाई जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, D/2। तो अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए था बेस। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा हो जाएगा X-0, यानी एक्स एक्सिस चाहिए मुझे, दिस इज। तो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया कि बेस मेरा क्या है, बेस मेरा एक्स है, और हाइपोटेनियस तो मेरा इस ट्राइंगल के अंदर R1 है, तो ये मेरा R1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने X/R1 लिख दिया, R1 का स्क्वायर पहले से मौजूद था तो ये R1³ बन गया। अच्छा, अब साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा के अंदर क्या होता है, इसी ट्राइंगल को हमें देखना होगा, साइन थीटा को। तो ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है वो मेरा क्या है, परपेंडिकुलर ये है मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर मुझे वाई चाहिए, Y-D/2। तो दिस इज माई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस मेरा अगेन जो है वो R1 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन थीटा की जगह Y-D/2 डिवाइडेड बाय R1, R1 स्क्वायर पहले से मौजूद था तो क्यूब बन गया। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पर R1 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो है इससे पहले कि मैं E2 कैलकुलेट करूँ, मैं अपने R1 को सिंपलीफाई करने के लिए, जो मुझे E1 को सिंपलीफाई करने के लिए जो मुझे R1 की वैल्यू चाहिए उसको मैं खोल देती हूँ। ये मेरा R1 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है अगर मुझे चाहिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, X-0 यानी कि X² प्लस Y-D/2, Y-D/2 उसका होल स्क्वायर।
और इसको मैं मजीद इस तरह से अंडर रूट हटा दूं तो उसकी पावर हाफ लिख सकती हूँ। उसको मैंने एक एक स्टेप क्लियर यहाँ पर किया हुआ है। तो अगर जो है वो R1 का क्यूब हो, ये तो R1 था ना, अगर R1 का क्यूब हो तो फिर मैं 3 लगा दूंगी यहाँ पर। अब मैंने फिर अंदर मजीद और काम क्या किया कि ये y-d/2 का होल स्क्वायर था, इसको a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे मैंने खोल दिया, ये मैंने खोल दिया। और ये जो है d अमूमन डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, तो अगर इसका स्क्वायर होगा तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगी टर्म। मेरे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, x² + y² - y और d, ठीक है, x² + y² - y और d। यहाँ पर जो है माइनस आएगा, गलत लिखा हुआ इधर, माइनस आएगा इधर, -y और d। अच्छा जनाब, अच्छा अब ये जो x² + y² यहाँ पर बचा है, इसको मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दिया, तो इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 3/2। यहाँ पर ये 3/2 पावर के साथ इधर आ गया, और अंदर मेरे पास क्या बच गया, अंदर इसकी जगह पे तो मेरे पूरा 1 बच गया, ये आ गया 1, और अंदर मेरे पास बच गया yd और नीचे x² + y², और उसके ऊपर पावर जो है वो 3/2 है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई R1 होल क्यूब, जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मैंने वैल्यू निकाल के अभी अपने पास रख ली है। बेसिकली मैं क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती थी एट अ पॉइंट पी। उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू 1 चार्ज, ड्यू टू 2 चार्ज। ड्यू टू 1 चार्ज मैंने अभी निकाला है, अब ड्यू टू 2 चार्ज भी मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने 2 चार्ज निकाली है। यहाँ पर मैंने अभी 2 चार्ज जो कि नेगेटिव चार्ज है इसको ड्रॉ किया, ठीक है। इस पॉइंट पी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो बनेंगी नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि इधर लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जाती हैं, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और कंपोनेंट्स में फिर रिजॉल्व करेंगे, तो वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा और एक्स कंपोनेंट भी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि मैंने एक्स एक्सिस भी नेगेटिव लिखा हुआ है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव लिखा हुआ है। तो एक्स कंपोनेंट के अंदर हम कॉस थीटा लगाएंगे, वाई कंपोनेंट के अंदर हम साइन थीटा लगाएंगे। नेगेटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट पी तक, इस नेगेटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो R2 है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन ये है, और ये R2 यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गई हूँ, ये जो कॉस थीटा की टर्म है ना, ये यहाँ पर, अच्छा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, सही है। कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं, ये कॉस थीटा की वैल्यू अब मुझे फाइंड आउट करनी है, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल को, ये जो मैंने ट्राइंगल लिया हुआ था, ठीक है, ये थीटा है, तो ये बेस बन गया, ये बेस मुझे अब चाहिए। तो वही पहले हम कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर लें तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, एक्स तो मेरा एक्स ही है, ठीक है, वाई जो है वो मेरा क्या है, -d/2, ठीक है, ये ओरिजिन था ना, तो उसके हिसाब से नीचे की तरफ अगर मैं आ रही हूँ तो वाई कंपोनेंट मेरा -d/2 होगा। और इसी तरह से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स मेरा 0 होगा और वाई होगा -d/2। तो अब यहाँ से जो है ना मैं डिफाइन करना चाहूंगी किसको, बेस अपॉन एच हाइपोटेनियस को। तो बेस जो है वो मेरी क्या है, बेस जो है यहाँ से निकालेंगे हम x-0, दिस इज माई बेस, दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरा क्या है, R2, तो ये मेरा हो गया R2। और साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर मेरा है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, y-d/2। तो ये जो है मेरा बन जाएगा y+d/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस व्हिच इज R2। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी एक्स अपॉन R2, तो यहाँ पर ये R2² से R2³ बन गया,
यहाँ पर मैंने साइन थीटा की वैल्यू पुट अप कर दी, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये ई टू की इक्वेशन आ गई, ई वन की इक्वेशन हम पहले ये निकाल चुके हैं लास्ट पेज पे, तो ई टू भी आ गया, ई वन भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, ई वन और ई टू दोनों को प्लस करना है। तो दोनों को प्लस करने में हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ें कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं, तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स को प्लस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाई को प्लस कर लेते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करने से क्या हो गया, ये ई वन जो है ये प्लस था, आर वन क्यूब ये प्लस था, तो ये पहले आ गया ई वन आर वन क्यूब, और ये माइनस की टर्म थी ये बाद में आ गई, और जो चीज़ें कॉमन निकल रही थी वो मैंने कॉमन निकाल दी। इसी तरीके से इस इक्वेशन को अगर मैं ऐड अप करूंगी, तो ये वाली जो के क्यू अपॉन आर वन क्यूब है, ये के क्यू तो कॉमन निकाल दिया निकल गया, और बाकी जो बचा पीछे वाई माइनस डी बाई टू अपॉन आर वन क्यूब, ये इधर लिख दिया मैंने और ये इधर लिख दिया, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, जो कि ये एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है। लेकिन मैं इसको मजीद और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, अगर मुझे जो है वो आर वन की वैल्यू पता हो और आर टू की वैल्यू पता हो। तो आर वन की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट की थी, आर वन की वैल्यू जो थी वो क्या थी, ये आर वन की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके निकाली थी ये वाली, ठीक है। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए वो आर वन की नहीं चाहिए, मुझे जो वैल्यू चाहिए मुझे तो वन अपॉन आर वन के होल क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ये वन अपॉन आर वन क्यूब है, तो मैंने उस वाली टर्म को वन अपॉन करके लिख दिया, ठीक है। और ये जो टर्म थी ये माइनस में थी, यस माइनस में टर्म थी ये वाली, माइनस इसको मैंने वन अपॉन करके लिख दिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, और ये वाली जो टर्म है जब ये ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी -3/2, और जब ये नेगेटिव हो गई -3/2, तो मैंने इसको बाइनोमियल के ऊपर खोल दिया, तो ये 3/2 आ गया, डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हायर ऑर्डर टर्म जो है ना वो मेरी कैंसिल आउट हो गई। तो इसका मतलब है वन अपॉन आर वन क्यूब जो है वो मेरा क्या हो गया, वन अपॉन आर वन क्यूब की वैल्यू मेरे पास आई भी है, मौजूद है, वो ये है। तो वन अपॉन आर वन की क्यूब की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो वन अपॉन आर टू क्यूब भी चाहिए। तो आर टू सबसे पहले मैं देखूंगी कि आर टू जो है वो क्या है, आर टू की वैल्यू जो है वो मैंने भी आपको बताई है कि आर टू की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास आर टू है, तो आर टू कैसे निकलेगा, एक्स माइनस जीरो एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस डी बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से मेरे पास मॉड आ गया, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया, ये अंडर रूट हटा देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने आर वन के लिए किया था, ठीक है। तो आर टू क्यूब की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, फिर वन अपॉन आर टू क्यूब निकालेंगे, तो वन अपॉन आर टू क्यूब जो है वो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने पावर में भूल गई, 3/2 पावर है ये, ठीक। तो थ्री बाई टू पावर है ये, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स कंपोनेंट में निकालना चाहती थी, तो उसके अंदर मेरा जो यहाँ पर देखें, ये एक्स कंपोनेंट में जो टोटल फील्ड थी उसके लिए मुझे वन अपॉन आर वन क्यूब और वन अपॉन आर टू क्यूब चाहिए था। तो अब मैं उसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पर रख रही हूँ डायरेक्ट, वन अपॉन आर वन क्यूब की वैल्यू जो मैंने निकाली, वन अपॉन आर टू क्यूब की वैल्यू जो मैंने निकाली, उसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर मैं भूल गई हूँ पावर लगाना, ये पावर जो है 3/2 पावर है यहाँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, तो कॉमन है दोनों में, तो एलसीएम ले लिया मैंने, ये नीचे आएगा, और जो ऊपर की टर्म है वो ऊपर की टर्म मैंने लिख दी, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और सिर्फ ये वाली टर्म बच रही है, ये वाली टर्म बच रही है, दोनों एक जैसी हैं, ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 6/2 ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये जो इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था जो कि एक्स्ट्रा था वो, और ये जो है नीचे आ जाएंगे दोनों मिला के जो है ना मेरे पास 3/2 प्लस 1 हो जाएगा,
ये देखें 3/2 + 1। अच्छा यहाँ से 2 1 2 2 3 6, तो ये 3 आ जाएगा, के क्यू एज इट इज रहा, एक्स एज इट इज रहा, डी वाई एज इट इज रहा, ये आ गया। और नीचे ये जो पावर है मेरे पास बन गई 5/2, यानी कि ई एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 3। ये जो क्यू और डी है इसको मैं लिख सकती हूँ के पी करके, के पी एक्स वाई, और नीचे x² + y² एंड 5 डी। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने जो है ना ई वाई की वैल्यू खुद से निकालनी है। ई वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके अंदर 1/r1 की क्यूब वैल्यू करोगे पुट, 1/r2 की वैल्यू करोगे पुट, जो मैंने उसमें बताई है आपको, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल आउट करो, और जहाँ कहीं d² आ रहा है उसको निग्लेक्ट करो, और फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई वाई कंपोनेंट वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इन विच आई वॉज इंटरेस्टेड, कि एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी हम परपेंडिकुलर खड़े हुए हैं तो फिर अलग फॉर्मूला यूज करें, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़े हुए तो अलग फॉर्मूला यूज करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमें नहीं चाहिए, हमें कोई जनरल फॉर्मूला चाहिए। तो हम चेक करना चाहते हैं कि अच्छा भाई ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों आ रहे हैं, तो क्या ये फॉर्मूला हमने सही ड्राइव किया है, ये हमारा फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। तो चेक करके देख लेते हैं, केस ए, जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए थे वहां पर हमारा एक्स कंपोनेंट था लेकिन वाई जो था वो जीरो था, तो इस इक्वेशन के अंदर ई एक्स के अंदर मैंने क्या किया, वाई को जब जीरो पुट किया तो ये पूरी की पूरी चीज गायब हो गई। ई एक्स जीरो होना भी चाहिए, ई एक्स जीरो क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो यू नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर बन रही थी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर भी आप पुट कर दें वाई को जीरो, तो वाई को जीरो पुट करेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा -kp, और ये बच जाएगा x², जबकि नीचे जब मैं वाई को जीरो पुट करूंगी तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की पावर होगी 5। ऊपर है एक्स की पावर 2, नीचे है एक्स की पावर 5, रिमेनिंग जो हमारे पास बचे बचेगी वैल्यू वो क्या बचेगी, एक मिनट इसको मैं जरा करेक्ट कर दूं, ये एक्स आना चाहिए यहाँ पर, ये आना चाहिए एक्स x³, ठीक है। वाई जीरो पुट किया है ना मैंने, वाई को मैंने जीरो पुट किया है, एक्स तो है, तो ये आना चाहिए x³। तो ये जो माइनस साइन हमारे पास बचेगा इसको मैं माइनस जे करके लिख सकती हूँ। तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये क्या यही फॉर्मूला निकल रहा था जब हमने इस केस के अंदर निकाला था, इस केस के अंदर निकाला था, क्या यही वाला फॉर्मूला आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ ताकि मेरी चेकिंग हो जाए, यस ये वाला फॉर्मूला, कि जब मैं इस जगह पे खड़ी हुई थी, +चार्ज था -चार्ज था, और यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी डाउनवर्ड थी माइनस जी डायरेक्शन, और ये के पी अपॉन एक्स थी। तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज वही आ गया जो कि मैंने एक जनरल फॉर्मूला से निकाला है। इसका मतलब ये है कि जनरल फॉर्मूला इज मच मोर अप्रोप्रिएट, ये यूज हो सकता है केस ए में हमारे, जो कि हमने स्टडी किया है। केस बी के अंदर देखते हैं, केस बी के अंदर क्या हुआ था, वो हम इन दो चार्जेस के दरमियान इस लाइन पे हम खड़े हुए थे, उसमें हमारा x० था और वाई जो था वो कुछ ना कुछ था, y = y था। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अब जो है वो एक्स की जगह पर जीरो पुट कर देती हूँ, यहाँ पर अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूंगी तो भी मेरा ई एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, ई एक्स है ही नहीं, ठीक है। वाई डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट जो है वो है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर एक्स को जीरो पुट कर दूंगी, के पी 2y² बचेगा, और यहाँ पर भी अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो नीचे बचेगी वाई की पावर 5, ऊपर y² नीचे वाई की पावर 5, नेट जो चीज आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 KP / y, sorry 2 KP / y³, यहाँ पर अब आ जाएगा 2 KP / y³, और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो मेरे पास प्लस जे आ रही है। तो ऐसे ऐसे था कि नहीं था, इसको चेक कर लेते हैं, ये ऐसा बिल्कुल था, ये देखें यही तो चीज हमने निकाली थी, 2 KP / y³ और प्लस जे डायरेक्शन। और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था इस डायग्राम के अंदर कि हम यहाँ पर जब खड़े हैं तो प्लस डायरेक्शन के अंदर वाई डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और इस जगह जब खड़े हैं तो इसी वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमारा कंफर्म हो गया,
जनरल फार्मूला इज मच मोर एप्रोप्रिएट, जो कि हमें निकालना आना चाहिए। आप इसका वाई कंपोनेंट खुद ही से सॉल्व करके निकालिएगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसको मैं अब लेक्चर को यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन डाइपोल पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? डाइपोल का पढ़ने का फ़ायदा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, ये डाइपोल का जो टर्म है ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है। रेडिएशन इमेशन के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जगह पे हम इसका बेनिफिट भी उठाते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर कहीं भी मौजूद है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होगी। तो मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक बॉडी जो है वो चार्ज कर दी, ये बॉडी जो है वो चार्ज कर दी है, और ये कोई एक कंपोनेंट है, इसको मुझे किसी पूरे सर्किट के अंदर लगाना है। अब चूंकि ये चार्ज बॉडी है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर पड़ रही हैं और उसको अफेक्ट कर रही है। मैं नहीं चाहती कि इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचे, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो मेरी पूरी की पूरी चार्ज बॉडी है इसके ऊपर मैं स्प्रे कर दूंगी। किसका स्प्रे कर दूंगी? डायपोल का, यानी डायपोलर मटेरियल का। जैसे कोई भी डायपोलर मटेरियल हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर तो खैर नहीं, एनी एनी डायपोलर मटीरियल, तो उसका स्प्रे जब मैं कर दूंगी तो स्प्रे करने से क्या होगा, मुझे पता है कि डायपोल की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में चेंज होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अब यहाँ पर मौजूद थी, जा रही थी तेज़ी के साथ में और उसको मुतासर कर रही थी, तो अब डायपोल का यहाँ पर स्प्रे करने से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में डिक्रीज हो जाएंगी और यहाँ तक अब नहीं पहुँचेंगी, ठीक है। अब मेरे कंपोनेंट्स को मुतासर नहीं करेंगी। तो हम ये शील्डिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बॉडीज़ को कवर करने के लिए, और उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन और भी हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा। चले, आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, होपफुली आप लोग उसको समझ लेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन मैं इसको आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करूँगी, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।